तो आप कब से हैं राजनीति में? मैं राजनीति में स्टूडेंट लाइफ से हूँ, क्योंकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट था ट्वाइस, और जिस साल में यूनिवर्सिटी छोड़ रहा था तभी मुझे चरण सिंह जी ने बुलाया, और चरण सिंह जी के तब 30 MLA छोड़ गए थे। किस साल की बात है ये? दैट इज 1973। तो उन्होंने कहा, सतपाल देखो बेईमान, मैंने पार्टी बनाई थी किसानों की, मुझे छोड़ दिया। मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने बड़ा इमोशनल होकर कहा कि तुम इस पार्टी को संभालो, किसानों की पार्टी है, और किसी से बात मत करो, अभी जाके मेरी मीटिंग है शाम को 5 बजे जिमखाना में, उससे पहले अनाउंस कर दो तुम मेरे साथ हो, और किसी से मत मशवरा। जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही किया, और नेक्स्ट डे आ गया कि मैं उनके साथ हूँ। उन्होंने सारी पार्टी मुझे सौंप दी, जनरल सेक्रेटरी बना दिया। उसके बाद उन्होंने MLA लड़ाया, तो मैं 26 साल की उम्र में 74 में MLA हो गया। फिर राज्यसभा का मेंबर हुआ, 2 बार लोकसभा का हुआ, मिनिस्टर हुआ, और अब गवर्नर हुआ। तो तब से लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ चलता रहता है, बट होल टाइम पॉलिटिक्स में आ गया, फिर प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर पाया। तो कैसे थे वो चरण सिंह? चरण सिंह जी वो अच्छे थे, तो उनकी दिक्कत क्या थी कि उनको किसी भी तरह प्राइम मिनिस्टर बनने का एक सपना देखते थे वो। तो उसमें उन्होंने इधर उधर किया, और वो कल्चर्ड, ईमानदार, बहुत स्वीट आदमी थे। बट ये मतलब हमारे जो पॉलिटिशियंस है, काफ़ी लोगों को ये हो जाती है कि बस बनना ही बनना है। हाँ, मतलब सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करके बनना है। मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी पूरी जो स्ट्रेंथ है जो किसी के पास नहीं है, वो ये है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे सामने वाले सब खलास हो जाते हैं। पर ये होता क्यों है कि मतलब इतनी मतलब इम्पेशेंस हो जाती है कि बस हर हालत में ही, मतलब काफ़ी पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं। आज़ादी के फौरन बाद तो राजनीति एक तरह से कर्तव्य था, और लोग करते थे उसको उस तरह, फिर ये प्रोफेशन हो गया, और अब ये बिजनेस हो गया है। आप जम्मू कश्मीर में जब थे जी, मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइम थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या मेरी ये राय है कि जम्मू कश्मीर को आप ज़बरदस्ती या फौज से ठीक नहीं रख सकते हैं, वहाँ के लोगों को जीत के आप कुछ भी कर सकते हैं, और वहाँ के लोग एमिएबल हैं, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। मैंने तो देखा, मैंने उनको अपने साथ किया। आपने अंदर से डिटेल से देखा, सोल्यूशन वहाँ किस बेसिस पे आएगा? इमीडिएटली तो उनकी स्टेटहुड वापस करना चाहिए, उनको इतना 370 नहीं चुभा जितनी स्टेटहुड लेकर यूनियन टेरिटरी बनाना चुभा। और यूनियन टेरिटरी इन्होंने किस लिए बनाया, जो मुझे लगता है, मुझे नहीं बताई वो बात, इनको ये अंदाज़ा था कि पुलिस रिवोल्ट कर जाएगी, जबकि ऐसा नहीं था। पुलिस इतनी फेथफुली रही भारत सरकार के साथ कि ईद का महीना था, एक एक सिपाही ने छुट्टी भी नहीं मांगी, वहीं लाइन में रहे। तो एक तो स्टेटहुड और उनका प्रॉमिस भी है अमित शाह का हाउस में, उसको इमीडिएटली वापस करना चाहिए और फिर इलेक्शन करा देने चाहिए। बट जब मैं जम्मू गया, ये जम्मू के लोगों को भी ये लगता है कि हमारा मतलब स्टेटहुड ले लिया, हाँ उससे तो वो भी खुश नहीं है। सबसे ज़्यादा वही चीज़ चुभी है। तो ये मतलब कर क्यों नहीं रहे इसको? पता नहीं, मेरी बात हुई, मैंने कहा वापस कराइए, तो बोला कह दिया होगा, क्या जरूरी है वापस कराना, चल तो रहा है सब ठीक। कहाँ ठीक चला, सारी इंसर्जेंसी वापस आ गई है, टेररिस्ट एक्टिव हो गए। अब तो काफ़ी घटनाएं अब तो जगह जगह हो रही हैं, राजौरी में रोज़ होता है, ऊपर कश्मीर वैली में रोज़ कुछ ना कुछ होता है। आपकी क्या राय उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? पुलवामा के बारे में मैं ये तो नहीं कहता इन्होंने कराया, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पोलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं जी, तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया। हमारी सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि नहीं 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 आप मत जाइए, मगर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, तो मैं एयरपोर्ट में चला गया। और एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहाँ पे आर्मी के लोग थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे, और मुझे मतलब लिटरली चाबी से बंद किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैं मतलब मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, और फिर लड़के मैं वहाँ से निकला। तो मुझे लग रहा था कि एक पूरा वहाँ पे शो सा क्रिएट हो रहा था। हाँ वो था ही, वो प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था, राजनाथ सिंह आए थे, मैं था, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी, प्रधानमंत्री को उसी दिन जाना चाहिए था। नहीं मगर मुझे उसमें क्या शौक लगा कि ऐसे लग रहा था कि एक कोई बड़ा इवेंट सा हो रहा है ना, इसके
और वहाँ पे प्रधानमंत्री आए हैं और ये पूरा मतलब जैसे देश को दिखा रहे हैं कि भैया देखो, काफ़ी डिस्टेस्टफुल सा था। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपने, तो ये अवेलेबल मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोले नहीं नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फ़ोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना इस पर। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वाँच कराएंगे उस पर असर पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, करना भी नहीं है इसको। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे, इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में फंस जाते थे वर्ष में, उनको एयरक्राफ्ट से, क्योंकि दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पर। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में, और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। तब वो सड़क से चले, इतना बड़ा मतलब 4 महीने के लिए वो चले ही नहीं, चले ही नहीं। इसलिए कि वो सड़क से चलना बिल्कुल इनसिक्योर होता है, वो उनके उसमें नहीं है सिस्टम में। 5 जहाज मांगे थे उन्होंने, वो नहीं दिए, 4 महीने तक लटकाए रखे। और तो 4 महीने के लिए क्या होल्ड पे थे? क्या होल्ड पे थे सब? मेरे सामने नहीं आई, अगर मेरे सामने आई होती तो मैं उसमें कुछ करता। दैट वॉज बिटवीन CRP एंड होम मिनिस्ट्री। लेकिन ये थी कि अटैक हो सकता है। इसके अलावा वो जो गाड़ी टकराई थी वो 10 दिन से घूम रही थी वहाँ, पूरा आप समझिए कि भरी हुई विस्फोटक से। वो कैसे मतलब इतना एक्सप्लोसिवली कैसे मतलब ऐसे घूम रही थी? सिस्टम नहीं था ठीक से। और जब मैं गया हूँ फिर पुलवामा होने के बाद, तो जो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें लगभग 8-10 लिंक रोड मिलती हैं, एक भी सैनिटाइज नहीं थी उस दिन। बल्कि हम तो जब अपनी पुलिस को भेजते थे कश्मीर की, तो पूरी रोड पे सिविल ट्रैफिक बिल्कुल रोक देते थे, सैनिटाइज कर देते थे तब भेजते थे। ना हाईवे सैनिटाइज था ना वो लिंक रोड। और लिंक रोड जहाँ हाईवे में मिलती है वहाँ रिवाज ये है कि वहाँ एक जिप्सी खड़ी होनी चाहिए जो उसे रोक दे कि नहीं भैया काफिला चला जाए CRP का, तब जाना। ब्लॉक कर, कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। तो जब आप वहाँ गए, जैसे पॉलिटिक्स में हम ऐसी घटनाओं में जाते हैं तो जब हम कहीं पहले पहुंचते हैं कोई माइंड में कोई फीलिंग आती है, तो इसमें आपकी क्या फीलिंग आई थी जब आप पहली बार वहां गए? आप मेरा यकीन करेंगे, आई वॉज इन टीयर्स। और मैंने इसको फ़ोन किया, मुझे नहीं मिला। जब 5 बजे मेरी बात हुई तो मैंने कहा हमारी गलती से हुआ ये, तो बोला नहीं नहीं इस पर आपको चुप रहना है। मैं चाहता था कि कुछ सर इसमें कटने चाहिए जिनकी जिम्मेवारी थी, कुछ भी नहीं। बट किसी का नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसको इलेक्शन के लिए यूज़ करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में हम वहीं से निकले, एक्चुअली साइट से निकले, पुलवामा से। तो मुझे ये लग रहा था कि जो आपने बोला कि ऐसी जगह पे, स्ट्रेटेजिक जगह पे इतना एक्सप्लोसिव कहाँ से आ गया, कैसे आया, वो मेरे क्वेश्चन, मेरे दिमाग में क्वेश्चन था। सारा पाकिस्तान से आया था। बट इतना 600-300 किलो, हाँ ये बॉर्डर तो हमारा पोरस है और ये इतना एक्सप्लोसिव इंडिजिनसली प्रोक्योर करते तो वो बात फैल जाती। ये 10-12 क्विंटल तो आया हुआ था, उसमें से ये गाड़ी पूरी भरी थी एक्सप्लोसिव से। और बताया मुझे जब मैं गया कि साहब ये तो 10-12 दिन से घूम रही थी गाड़ी, जो गाड़ी चला रहा था उसका भी मालिक का, दोनों का टेररिस्ट रिकॉर्ड था, दोनों कई बार गिरफ्तार हो लिए थे फिर छूट गए थे, फिर गिरफ्तार हुए थे फिर छूट गए थे। अच्छा, तो उन पर कोई निगाह नहीं थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की। यहाँ मीडिया में मतलब मैं देख रहा था, यहाँ पे इतना बड़ा कास्ट सेंसस का मुद्दा है, बट अब आजकल बस इज़राइल कास्ट सेंसस को नहीं देखा। मतलब जो चाहे वो अदानी हो चाहे वो कास्ट सेंसस हो, जो ज़रूरी बातें हैं उसका कुछ नहीं होगा, मगर इज़राइल हो, बॉलीवुड हो, क्रिकेट हो, उस पर चलते जाएंगे। अदानी तो आपने इसके चिपका दिया, वो तो छूटेगा नहीं, गाँव चला गया अदानी का। और लोग ये कहते हैं अदानी के यहाँ इसी का रुपया है। हाँ, वो 20,000 का आपने उठाया था, 20,000 को इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? कल ही एक स्टोरी आई है कि ये कोयले के प्राइस इन्फ्लेट कर रहा है, वहाँ से इंडोनेशिया से कोयला नाव में जाता है और यहाँ पहुँचते उसकी प्राइस इन्फ्लेट हो जाती है और फिर
लोगों को बिजली के लिए ज़्यादा रेट देना पड़ता है, मगर वो भी मीडिया ने कहीं नहीं उठाया। मुझे खबर ये दी गई कि जिस दिन मैं ये करण थापर का इंटरव्यू किया, इन्होंने बुला के सब चैनल्स को कहा कि खबरदार कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी, और अतीक अहमद का केस हो गया और उसको 10 दिन तक हेडलाइन। मैंने वो देखा, मैंने अपनी बहन से कहा कि ये जो आपने पुलवामा की बात की है, इसके कारण ये किया गया है, टोटल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मैंने नोटिस किया जब आपने पुलवामा की बात की तो ये सब डर गए थे, लेकिन अतीक अहमद ने उसको 10 दिन तक खत्म कर दिया, ओवरशैडो कर दिया। बिल्कुल। भारत जोड़ो यात्रा में मुझे एक बात समझ आई कि कितना भी मीडिया पे कंट्रोल हो, अगर आदमी डायरेक्ट जनता के पास जाता है तो फिर तो नहीं चलता। जनता ओनली आंसर है, जनता के पास जाना। और अगर आप जनता के पास जाते हैं तो बहुत जल्दी जनता को बात समझ आ जाती है, वो टाइम नहीं लगता। नहीं, जनता तो अवेयर है देश में, ऐसा नहीं उन्हें मालूम नहीं है, बट उन पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कहाँ कहें, किसको कहें, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी ऐसे ही गए गुजरे हैं सब। पहले मैंने पार्लियामेंट में स्पीच दी कास्ट सेंसस के बारे में, जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था मैंने देखा कि हमारे सब इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जो ओबीसी वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो ट्राइबल वर्ग है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते मीडिया में, चाहे आप सबसे बड़े मीडिया हाउसेज देख लीजिए या सारे जो एंकर्स हैं, सारे रिपोर्टर्स देख लीजिए, इसमें एक ओबीसी नहीं है, एक दलित नहीं है, एक ट्राइबल नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मैं तो चूँकि लोहिया ही रहा हूँ, तो लोहिया ने एक बार कहा था कि मुझे कमेटी बनानी थी गोवा की आज़ादी की, तो मैं जब भी कमेटी बनाऊँ उसमें 48% अपर कास्ट आ जाते थे, नाम मांगूं तो भी वही आते थे, तो ये सिस्टम बन गया यहाँ का। इसको चेंज करने का आपकी राय क्या है? एक तो इसको कंपलसरी करना पड़ेगा भाई, इतने परसेंट हो जैसे नौकरियों में हो गया उस तरह से, और दूसरे उन वर्गों में थोड़ा चेतना बढ़ानी पड़ेगी भाई, तुम इन पेशों में आओ। बट इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो स्थिति है एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में हिंदुस्तान में, उसके डिटेल्स ओबीसी वर्ग को भी नहीं मालूम, दलित वर्ग को भी नहीं मालूम। आपने थोड़ा, मतलब मैंने तो थोड़ा सा छुआ है, बट एक्चुअली किसी को नहीं मालूम, पता ही नहीं है। सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरा जो इन्फॉर्मेशन का सिस्टम है उसमें कोई ओबीसी नहीं है, कोई दलित नहीं, कोई ट्राइबल, वो भी उन्हीं के हाथ में है। तो एक प्रकार से लाउडस्पीकर ऑन कर देते हैं और इतना लाउड करते हैं कि कोई कुछ बोल नहीं सकता है। जैसे आपने पुलवामा की बात की, कास्ट सेंसस की बात की, अदानी की बात की, बस लाउडस्पीकर मोदी जी लाउडस्पीकर ऑन कर देते हैं और जितना चिल्लाना चाहो चिल्लाओ, कुछ नहीं होता। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में 3-4 घंटे बड़ैयों के साथ काम किया, तो वो मुझे बता रहे थे कि हम सोफ़ा बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, मगर जिस शोरूम में वो बिकता है उसमें हम जा नहीं सकते। मतलब काम हमारा, मेहनत हमारी, मगर फल हमारा नहीं। और कितना गुना एनहांस करके पैसा लेते हैं उसका, इनको तो कुछ मिलता नहीं, गरीबों को। ये बहुत ही एक्सप्लोइटेटिव सिस्टम है। तो अगर आप जीएसटी देखें, जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है, उसमें छोटे व्यापारी, किसान, मजदूर वो टैक्स भरते हैं। डिमोनेटाइजेशन भी उनके खिलाफ हथियार था, किसान आंदोलन में तो आपने काफ़ी कमेंट किया है, वो भी मतलब उनके घर में से पैसे निकालने का तरीका था। नहीं, वो तो इनका, मैं बताता हूँ, अगर आप नहीं हटाओगे इस बार तो खेती को तो ये पूरी तरह खत्म, मतलब किसान छोड़ के भाग जाएगा और ये कॉरपोरेट को दे देंगे, इनका यही इरादा है। मैं तो खेती करता था, मेरे गांव में पूरी यूपी की सबसे बड़ी काश्त थी, एक हमारे चचा थे उनके पास 2,500 बीघा ज़मीन थी, और आज मैं जाता हूँ तो सब के लड़के शहर में आ गए हैं, चूँकि एजुकेशन नहीं है, हेल्थ सर्विसेज नहीं है और सिक्योरिटी नहीं है, तो वो बटाईदार को दे के वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी खेती। खेती को ख़त्म करेंगे, फौज ख़त्म करी दी से इलाके, अग्निवीर में कौन इतने से अरसे के लिए अपनी जान देगा, तो ये शने शने सब लोगों को, ये हर इंस्टीट्यूशन को पकड़ के ख़त्म कर देते हैं इनके, मतलब इमीडिएटली ये, चाहे वो सेना हो, सरकार हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इलेक्शन कमीशन, जैसे इनके हाथ पड़ता है वो अपने लोगों को बैठा के कुछ ना कुछ उल्टा। मैं, आप एक स्टडी करा लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर्स हैं पिछले एक साल में लगे हैं,
वो 100% वो हैं जिनके संघ से कनेक्शन थे, उसके बिना आप कोई नौकरी नहीं पा सकते हैं आज, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तो बिल्कुल नहीं पा सकते हैं। जो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल होने लायक भी नहीं थे वो वीसी लगे हुए हैं सब जगह। मतलब इनका शिक्षा का सिस्टम नहीं रहा, कंट्रोल का, माइंड कंट्रोल का सिस्टम बनाने की कोशिश। आपके मुताबिक इम्प्रूवमेंट लाने का क्या तरीका है? देखिए, सबसे बेसिक सवाल है कि किसान को उसकी फसल का दाम सही नहीं मिलता है, और उसके चलते वो हर साल गरीब होता जाता है। जो एक फसल का दाम पिछले साल था, खाद का और बाकी चीज़ों का जो दाम था उसकी तुलना में इस साल में और फर्क हो जाता है, तो उसकी परचेजिंग पावर हर साल कम होती चली जाती है और उसे पता नहीं चलता। ही डजंट नो कि मैं गरीब हो रहा हूँ, लेकिन वो गरीब हो जाता है, चूँकि उसके जितना एक मन गेहूँ में पिछले साल खाद खरीद सकता था इस साल नहीं खरीद सकता, इस साल ज़्यादा गेहूँ देना पड़ेगा। तो वो जो उसकी परचेजिंग पावर कम होती है उसका, उसको एहसास ही नहीं है, पता भी नहीं चलता है। तो वो तो मैंने देखा जब पब्लिक मीटिंग्स में बताते तो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था। मैं कहा भाई तुम्हें पता ही नहीं, तुम गरीब हो रहे हो, तो उन्हें सुन के बुरा लगता है। फिर मैं समझाता हूँ, बताओ पिछले साल इतने गन्ने में कितना सामान खरीदते थे, इस साल कितना खरीदते हो। तो सबसे पहले है कि जो पैरिटी ये है एमएसपी इसको लागू करना चाहिए। एमएसपी में ये नहीं कि सरकार सारी फसलों का एमएसपी दे, लेकिन एमएसपी करने से बाज़ार गिरेगा नहीं, और एमएसपी है इसलिए कि बाज़ार एक ख़ास जो आपने दाम तय किया उससे नीचे गिरेगा तो सरकार इंटरवीन करेगी। और ये पंडित जी के ज़माने से जो नागपुर सम्मेलन में जवाहरलाल जी ने कराया था ये कि हम इंटरवीन करेंगे और ख़रीद लेंगे। तो एमएसपी का लागू होना बहुत ज़रूरी है, और एमएसपी पे इन्होंने किसानों से धोखा किया। जब किसान कानून वापस लिए तो कहा था हम एमएसपी करेंगे, और आज तक नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि अडानी ने बड़े बड़े गोदाम बना दिए, फसलें एक दाम पे ख़रीद ली, अगले साल उनके दाम बढ़ जाएंगे वो बेचेगा। एमएसपी होगा तो किसान इनको सस्ते दाम पे नहीं देगा। तो एमएसपी का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो उसके लिए आप खाद, बिजली, पानी जो भी सरकार देती है उसके दामों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, वो बेतहाशा ना हो, ताकि वो जो मैंने बताया जो फ़र्क रहता है खरीद बेच का वो ना हो। जो आप कह रहे थे, ये जो अदानी जी हैं इन्होंने पूरा जो स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने हाथों में ले लिया है, इसका इफ़ेक्ट मैंने जम्मू कश्मीर में देखा, इसका इफ़ेक्ट हिमाचल में दिखता है, अलग अलग स्टेट्स में, हरियाणा, पंजाब में, हरियाणा में तो पानीपत में बड़े बड़े गोदाम बना दिए। तो पूरा मतलब इस जो स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ये कैप्चर कर लिया है, तो फिर जब भी ये प्राइसेस को मतलब ऊपर नीचे फाइन ट्यून करना चाहते हैं कर देते हैं, तो ये किसानों को मतलब नुकसान, डायरेक्ट नुकसान पहुँचाते हैं। जब तक इनके खिलाफ हल्ला बोल नहीं होगा तब तक सुधरेंगे नहीं, या फिर सरकार बदल जाए। अभी तो इन्हें टोटल प्रोटेक्शन है। मगर मैंने देखा है कि जनरली सरकारों के पास जो किसान का जो स्टोरेज की कैपेबिलिटी होती है उसके बारे में सरकारें ज़्यादा नहीं सोचती हैं। वो ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं सोचती। आप नॉर्थ ईस्ट में भी थे? हाँ, मेघालय। मेघालय वो मुझे पनिशमेंट पोस्टिंग दी गई थी गोवा के बाद, क्योंकि गोवा में मैंने करप्शन के बारे में बहुत बोला था, लेकिन वो अच्छे गोवा से हटा दिया गया। हाँ, गोवा से हटा के नॉर्थ ईस्ट भेज दिया गया था। तो कश्मीर से हटाया, फिर गोवा से हटाया, फिर मतलब सब जगह पांच तबादले किए इन्होंने मेरे, जैसे सरकारी कर्मचारी के करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट बेटर था, वहाँ 12 जिले थे, गोवा में 2 जिले थे, और मेघालय बहुत अच्छी जगह है, कोई झगड़े टंटे की नहीं है, रिलैक्स लोग हैं का। जी हाँ, रिलैक्स अच्छे लोग हैं। संगमा साहब का लड़का चीफ मिनिस्टर था, तो उससे बहुत बढ़िया रिलेशनशिप रही, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। तो मणिपुर के बारे में क्या राय है आपकी? वहाँ मतलब पूरा फेल्योर है सरकार की, चीफ मिनिस्टर जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसको अभी तक हटा नहीं रहे हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर का भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं, पंजाब का भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं, मणिपुर का भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं। मैं गया मणिपुर में, वहाँ जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, वहाँ कोई कंट्रोल नहीं, पूरी क्राउड निकल आई थी। आप कोई कंट्रोल ही नहीं था, मतलब बिल्कुल एक स्टेट बचा ही नहीं है, 2 स्टेट बन गए हैं, एक इस तरफ दूसरा दूसरी तरफ। नॉर्थ ईस्ट सेटल्ड था, इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। सब जगह ये कुछ ना कुछ मतलब अपना करते रहते हैं। और 6 महीने की बात है, मैं लिख के दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं आएंगे पावर में।
नहीं एक्चुअली अगर ज़मीन पे जाएं तो बहुत नफरत है लोगों, बहुत शदीद, पूछिए मत। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में आज दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक आरएसएस गांधी वाली, एक आरएसएस और एक गांधी वाली, और दोनों एक प्रकार से हिंदुइज्म के एक्सप्रेशन है, दोनों एक एक विजन है हिंदुइज्म का, एक अहिंसा का, एक भाईचारे का, और दूसरा जो आरएसएस का, जिसको मैं डिस्टॉर्टेड विजन कहता हूँ, वो नफरत का, हिंसा का। तो इस फाइट के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? मेरा यही सोचना है कि हिंदुस्तान कंट्री के तौर पे तभी सर्वाइव करेगा जब वो लिबरल हिंदुइज्म के रास्ते पे चलेगा, जो गांधी का विजन है। गांधी ने ऐसे ही नहीं कहा था, गांधी ने इस देश को जितना समझा था किसी ने नहीं समझा था। वो गांव-गांव गए थे, जगह जगह गए थे, और वो इस नतीजे पहुँचे थे कि नहीं, बाकी बातें बेकार हैं, ये ठीक है रास्ता। तो हिंदू का जो लिबरल हिंदू थॉट है वही रहेगा तो देश सर्वाइव करेगा, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा अदरवाइज। और ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, मुल्क के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है कि हम मिलजुल के रहें, एक दूसरे के साथ रहें, झगड़ा ना करें। नहीं, झगड़ा होगा तो मुल्क ही नहीं रहेगा ना। हाँ बिल्कुल। तो मुल्क का मतलब ही है कि मतलब भाईचारे से मिलजुल के रहें, जी मिलजुल के लोग रह रहे हैं। तो आपका मतलब काफ़ी सालों से इस लड़ाई में आपका एक्सपीरियंस रहा है, और आप मतलब बहुत सालों से आरएसएस से लड़ रहे हैं, तो आपके मतलब सजेशंस, राय क्या है? मेरी राय यह है कि अपने लोगों में ये प्रचारित हो ठीक से, गांधी का, कांग्रेस का जो विजन है कि ये हम क्यों इनसे डिफरेंट हैं, ये क्या चाहते हैं, वो क्यों आपके हक में नहीं है। ये पॉलिटिकल लोग भी नहीं बोलते हैं, उनको ये बोलना चाहिए। और जो आप कह रहे थे, जो क्रिस्टलाइजेशन होना चाहिए पॉलिटिकल लोगों की माइंड में कि भाई ये अब ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, अब ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, वो क्रिस्टलाइजेशन इतना हो नहीं रहा। वो नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान का आदमी जो पॉलिटिक्स में एक्टिव है वो राजनीति तक और अपने तक एक्टिव है। वो एक तो पहले तो देश के बारे में उस तरह नहीं सोचता जैसे सोचना चाहिए, और वो जो ब्रॉडर इश्यूज़ हैं उन पर राय नहीं बनाता है, राय जाहिर नहीं करता है, उस पर खड़ा नहीं होता है। तो वो हम पॉलिटिकल लोगों को करना पड़ेगा। और इसमें ये भी है कि जो जैसे मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन का सिस्टम जो है आसानी से राय बनाने भी नहीं देता है, तो डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। तो इन्फॉर्मेशन का सिस्टम तो वन वे हो गया है, उसमें आपकी बात तो आएगी नहीं, जो दूसरी बात है वो आएगी। और लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई है कि लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया, भरोसा चला गया है। इस वक्त हम लोगों की एक ही स्ट्रेंथ है, दैट इज सोशल मीडिया। हम लोगों की बात सोशल मीडिया से फैलती है, ये उसको भी रोकने के सिस्टम ढूंढ रहे हैं कैसे रोका जाए, वो अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो हमारी स्ट्रेंथ है। जो प्रिंटेड मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक है, सबको इन्होंने कंट्रोल कर दिया, वन साइडेड कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह कि लोग भी उसको समझ गए हैं, तो इनकी बात को यकीन नहीं करते, वो कहते नहीं नहीं ये तो गड़बड़ है। आपने कहा कि सोशल मीडिया में मतलब हमारा थोड़ा सा असर है, बट हमारे मेरे अकाउंट्स को तो पूरा सप्रेस किया जाता है, जैसे चाहे वो मेरी यूट्यूब हो, फेसबुक हो। नहीं, आपके होगा, पर आपके समर्थन में जो लोग करते हैं वो उसे नहीं रोक सकते। मगर जो वही है आपकी स्ट्रेंथ, जो सेंट्रल मेरा अकाउंट है उसको तो पक्का रोकते हैं, मेरा यूट्यूब अकाउंट को तो पूरा दबा रखते हैं। मेरा भी कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं आता है, लेकिन जो हम लोगों के पक्ष में बात बोलते हैं वो फैलती है। मैंने देखा है कि जब भी सरकार पे कोई प्रेशर आता है, जैसे अगर कास्ट सेंसस की बात हो, अदानी की बात हो, MSP की बात हो, किसानों की बात हो, तो ये कोई ना कोई गिमिक निकाल देते हैं। और अभी मैंने देखा कि जब मैंने पार्लियामेंट में अदानी की स्पीच दी तो सबसे पहले टीवी ऑफ कर दिया, उसके बाद मुझे पार्लियामेंट से निकाल दिया, और फिर स्पेशल सेशन की बात हुई, उसके बाद स्पेशल सेशन के अंदर भारत या इंडिया का डिस्कशन की बात हुई, और फिर एंड में वुमेन्स बिल की बात हुई, और वुमेन्स बिल भी वैसा कि वो 10 साल में आएगा, आज नहीं आएगा नहीं कभी। तो ये इनका ये तरीका जो है, चाहे वो पुलवामा हो, वुमेन्स बिल हो, डिस्ट्रैक्ट करने का इनका बहुत इफेक्टिव तरीका है। दो तीन चीज़ें हैं प्रधानमंत्री की, एक तो ये किसी भी चीज़ को वो बना देता है इवेंट, छोटे छोटी चीज़ का, और उसका अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लेते हैं।
वीमेंस बिल का भी इसने यही किया, औरतों को कुछ मिल नहीं रहा है और एहसास ये करा दिया, पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया। हाँ, हाँ। मतलब शो बहुत ग्रैंड शो होता है, जैसे वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग, नई बिल्डिंग में जा रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में पकड़ के पूरा, मतलब ड्रामा। नई बिल्डिंग वाला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, पर उनको पत्थर लगवाना था कि मैंने बनवाई थी एक पार्लियामेंट। लेकिन वो हर चीज़ को उसी तरह से बहुत मेगलोमेनिया की तरह करते हैं। जैसे पुराना हाउस है, उसमें अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो सेंट्रल हॉल में आप लोकसभा डाल दीजिए, लोकसभा में आप राज्यसभा डाल दीजिए, हो गया काम। मतलब सेंट्रल हॉल में, मतलब वो बिल्डिंग तो उसकी अगर वो भी कई सौ साल चलेगी। हाँ, तो बिल्कुल। और अगर आपको सेंट्रल हॉल चाहिए तो एनएक्सी में सेंट्रल हॉल कर देते। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, बट प्रॉब्लम क्रिएट करके, शो करके पूरा, मतलब इससे देश को काफी नुकसान होता है, क्योंकि नुकसान होता है। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि लोग इसको समझ रहे हैं। लोग ना समझें तो दिक्कत है, लोग हर चीज समझ रहे हैं। मैं तो बिल्कुल नीचे तक जाता हूँ, वो सब बोल रहे हैं इस चीज़ को कि साहब इसको करना वरना कुछ नहीं है, ये ऐसे ही करता रहता है। और एक्चुअली जब मैं इनके भाषण सुनता हूँ और इनकी जो पॉलिसीज देखता हूँ, तो एक्चुअली डेप्थ नहीं है, डिटेल में नहीं जाते। ज़रूरत नहीं है उसको, सिर्फ रूल करना है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करना, कोई चेंज नहीं करनी है, सिर्फ राज करना, जिसे बोलते हैं ना बहुत क्रूड लैंग्वेज में, साढ़ा राज है, राज करना है, दैट्स ऑल। और वो उस तरह से जो जवाबदेही जनता के लिए होती है वो महसूस भी नहीं करते हैं। आपने काफ़ी बहादुरी के साथ जो पुलवामा के बारे में बोला, आपने जो अदानी के बारे में बोला, किसानों के बारे में बोला, तो फिर आपको धमकाया गया, CBI इंक्वायरी कराएगी, सब शुरू हो गया, पूरा इनका सिस्टम चालू हो गया। आप हैरत करेंगे, ये कानून है कि जो शिकायत करता है उसको सजा नहीं दी जाती है। मैंने शिकायत की, जिनकी की, उनका आज तक इंटरोगेशन नहीं हुआ। मेरे यहाँ 3-3 बार आ गए, मेरे स्टाफ के लोगों के फ़ोन ले गए CBI वाले। मैंने कहा भाई तुम कुछ कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तो फ़कीर हूँ, मेरे बिना कुछ है। तो तंग आ गए वो, लेकिन करना पड़ा। फिर यही कहते थे लास्ट में, साहब नौकरी कर रहे हैं। वो मुझे भी यही कहते थे कि भाई आप छोड़िए, मतलब हमें दबाया जा रहा है, हमें करना पड़ रहा है, इसमें कुछ है नहीं। उनकी भी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है, क्या करें। हम बात कर रहे हैं तो इसके बाद में आपको, आप पर भी थोड़ा आक्रमण करेंगे। जब भी हम किसी से बात करते हैं एकदम आक्रमण शुरू हो जाता है उन पर। हाँ नहीं, करेंगे, मेरे पे तो करते रहते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।